और मध्य प्रदेश के 30 लाख बेरोजगार युवा इस बार लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी इन बेरोजगार युवाओं ने रोजगार की आस में कांग्रेस को वोट दिया। यही कारण रहा कि 15 साल बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस की सत्ता का वनवास खत्म हुआ। कांग्रेस ने भी सत्ता में वापसी करते हुए मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की, ताकि पिछले चुनाव में गेम चेंजर साबित हुए बेरोजगार युवा इस बार भी कहीं गेम चेंज ना कर दे। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता हर्षद शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए काम करती है, बेरोजगारों को रोजगार हम उपलब्ध करवाएंगे। देखिए, बेरोजगारी का ही नतीजा है कि मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान जी की विदाई हो गई, और अब और हमारी सरकार ने तो युवा स्वाभिमान योजना जैसी अभी 3 महीने ही हमें आए हुए हैं, और हमने बेरोजगारी को एक बहुत बड़ा चैलेंज लेते हुए हर वर्ग को उसकी काबिलियत के हिसाब से रोजगार देने की नीति बनाई है। आज हमारा मैनिफेस्टो भी केंद्र नेतृत्व जारी करेगा, उसमें भी बेरोजगारी को लेकर हम बहुत अहम चीज़ों को उठाने वाले हैं। देखिए, बेरोज